दोस्तों आपका स्वागत है सिंपल जी के ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम हिस्ट्री, डेट्स, आर्टिकल्स, नंबर और स्टैटिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2020 के जितने भी जीके के आंकड़े हैं उनको याद कराने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक बार पढ़ो और भूल जाओ, क्योंकि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम साउंड और इमेज के माध्यम से आपको ये सारा पूरा याद करवाने वाले हैं। चलिए आपके देखते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है साउंड कोड बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको 0 से लेकर 9 तक के कोड याद करने पड़ेंगे। 0 से लेकर 9 के साउंड कोड हमारे राइट ब्रेन में स्टोर होता है, जो कभी नहीं निकलता, हमेशा याद रहता है। जो हमें स्ट्रीट डेट्स, आर्टिकल्स, नंबर, जो भी नंबर्स हमको परेशान करते हैं हमारी पढ़ाई में, उन नंबर्स को याद कराने में बड़ा मदद करेगा। तो मैं इनको आपको 0 से 9 तक ये कोड किस तरीके से दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये कोड इस तरीके से है कि आप यदि 0 को बीच में से काटेंगे तो ये S बन जाएगा, S बन जाएगा, और यदि इसका उल्टा करेंगे तो ये Z बन जाएगा। ठीक 1 के ऊपर यदि आप डंडी लगा देंगे तो ये T बन जाएगा। यदि आप T को बोलेंगे T तो ये डा बन जाएगा। तो T and D 1 के लिए यूज़ होगा। यदि N को हम उल्टा कर दें तो ये 2 की तरह लगता है। यदि 3 को, यदि हम M को ऐसे लिख दें तो देखिए ये 3 की तरह लगता है। सेम 4 को यदि आप बोलेंगे 4 तो R प्रोनाउंसिएशन होता है। 5 का आप देखें, 5 का ऊपर का हिस्सा ये जो है L आकार का है, L आकार का है। 6 को यदि हम ऐसे लिखेंगे तो ये जी बनता है, और इसको यदि उल्टा लिखेंगे तो जे बनता है। के को लिखने का तरीका है कि आप ये देखिए, ये ऐसे ऐसे के बनता है। 8 को आप देखिए, 8 का एफ हो गया। एफ का यदि प्रोनाउंसिएश करेंगे तो व आता है, फ आता है। 9 का यदि मिरर करेंगे तो पी बनता है, और इसका उल्टा करेंगे तो बी बनता है। तो आपने देखा भाइयों कैसे हमने 0 से लेकर 9 तक याद कर लिए। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसी कोड के बेस पे हम बहुत सारे सब्जेक्ट विषय को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये कोड है, साउंड कोड है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब हम किसी वर्ड को बनाएंगे तो उसमें आने वाले वोवल्स को, ए ई आई ओ यू को हम साइलेंट कर देंगे, मतलब काट देंगे। चलो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ नंबर लिखा है 55। 55 का मतलब 5 का एल और 5 का एल, तो पूरा शब्द बनता है लाला। लाला में से यदि हम ए को हटा दें, लाइक ए को काट दें, तो एल एल बन गया, तो हो गया 55। दूसरा नंबर है आर ओ एस ई, रोज। रोज बोले तो 4 पर R और 0 पर S। यदि हम ओ इसमें से हटा दें, साइलेंट कर दें वहीं, तो रोज हो गया, आर एस हो गया। सेम 39 में से 3 का M, 9 का P, ए को साइलेंट कर दें तो मैप हो गया। 91, 9 का P, 1 का T, 0 पॉट हो गया। डक का 1 का D और 7 का K। अब ये साउंड मेथड है, तो आप इसमें जब प्रोनाउंस करेंगे डक तो इसका क बन रहा है, जैसे हिंदी में डक, तो CK का क्या आ रहा है, क ओनली। लास्ट है 88, तो 8 का FF, 8 का F, तो ये फूफा बन गया। तो देखो भाइयों, हम बिल्कुल ही सिंपल घर में प्रयोग होने वाले साधारण सा सामान, जैसे बेलना, सोफ़ा, जो आपकी मर्जी करे, उन नंबरों की कोड बनाइए और अपनी विषय, जिस विषय में जहाँ नंबर आपको परेशान कर रहे हैं उनको तैयार कीजिए। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी और अवार्ड सिंपल को जीके में आपके लिए सैंपल रखा है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, तो 76 का हो गया KG।
तो हमने क्या इमेजिनेशन कल्पना की है कि आपने बाजार में 1 केजी हल्दी खरीदी, मान लो आपने 1 केजी हल्दी खरीदी, तो हल्दी घाटी का युद्ध आप कभी भूलेंगे ही नहीं। दूसरा रेखा है बक्सर का युद्ध, जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1764। तो ट्रिक क्या है 64, सिगार, सिगार, तो CIGAR, सिगार। तो हमने क्या इमेजिन किया कि बॉक्स में हमारी सिगार रखी है, बॉक्स में क्या रखी है, सिगार रखी है। नेक्स्ट है पॉलिटी, पॉलिटी का एग्जांपल है कि आर्टिकल 52, राष्ट्रपति का पद आता है, जिसको बनाया हमने 52 को L और N, लॉयन। हमारे देश के शेर राष्ट्रपति होते हैं, सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं रहती होती है, जंगल का राजा शेर होता है। दूसरा आर्टिकल है 61 का है GT, गॉट, गॉट को महाभियोग, गॉट से याद रहेगा कि बकरियों पे, मासूमों पे ही हमेशा महाभियोग चलाया जाता है। नेक्स्ट है अवार्ड्स, सिंपल किए हमने, नोबल पुरस्कार 1901 मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, इसका ट्रिक है बेस्ट, नोबल BST, 9 for B, S for 0 and T for 1, नोबल पढ़ना फ्री टाइम में बेस्ट है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965, ट्रिक है पागल, सिर्फ एक शब्द आपको याद रखना है, ज्ञानपीठ मतलब पागल, ज़्यादा ज्ञान पागल बना देता है ना भाइयों, ज़्यादा ज्ञान पागल बना देता है। तो आपको केवल शब्द याद रखना है, पेपर में आपको ट्रिक अपने आप काम कर जाएगी, एक बार पढ़िए, भूलना भूल जाओगे। चलिए, आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी, थैंक यू सो मच, कमेंट फॉर द मोर वीडियोस, थैंक यू।